हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वापस फ्री गेम्स के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि मेरे को पता है ये वीडियो जो है वो मैं लेट लाया हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो ये चैनल पे हर फ्राइडे को जो है वो वीकली जो एपिक गेम्स पे फ्री गेम्स आते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। और सो उसके साथ में और भी कोई गेम्स अगर आते हैं, पीसी गेम्स आते हैं या मोबाइल गेम्स आते हैं या कुछ डील्स रहती है, तो उसके बारे में भी हर फ्राइडे को हम लोग बात करते हैं। अगर फ्राइडे को नहीं बात किया, अगर लिमिटेड पीरियड के लिए गेम्स रहते हैं तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग बीच बीच में भी फ्री गेम्स के वीडियोस जो है वो लाते रहते हैं। तो ये फ्राइडे जो था, मतलब पिछला जो फ्राइडे निकल गया, तभी जो गेम्स आए थे उसके बारे में मैंने बात नहीं किया था। हालांकि मैं थोड़ा सा बिजी था घर के काम में, मेरे को थोड़ा सा ये रूम में काम करवाना है। मतलब जैसे आपको पता है गर्मी वगैरह बढ़ गया, तो एसी वगैरह का भी काम करना है और थोड़ा इंटीरियर्स में भी काम करना है। आने वाले वीडियोज़ में आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ये जो है वो पीछे तो ग्रीन स्क्रीन है, इसको हम लोग चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर सक्सेसफुल हुआ तो आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो में। तो इसके वजह से ये फ्राइडे को जो है वो वीडियो नहीं आई थी, तो सॉरी फॉर डिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में 9 गेम्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं वो बताता हूँ, और कुछ गेमिंग न्यूज़ भी है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते और फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि गाइज आपको मैंने बताया कि आज की वीडियो में फ्री गेम्स के ऊपर तो बात करेंगे और गेमिंग न्यूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो वीकली गेम्स आते हैं एपिक गेम स्टोर पे, उसके बारे में पहले बात करेंगे। फिर इंडीगाला वेबसाइट पे जो गेम्स है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में PS5 पे भी एक इंटरेस्टिंग गेम है, AAA टाइटल फ्री में मिल रहा है, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, वो आपको फ्री में मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर लास्ट में गेमिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं, डेस्कटॉप के ऊपर चलते और दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या चीजें आपको आज के इस वीडियो में फ्री में मिलने वाली है। और गाइस, इसके पहले वाला जो वीडियो फ्री गेम का था उसके ऊपर काफी अच्छा सपोर्ट आपने दिया हुआ है, ऑलमोस्ट 700 प्लस व्यूज उसके अंदर आए हुए हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस जिसने भी वो वीडियो देखा है। डेफिनेटली वो वीडियो अगर आपने देखा है तो लाइक कर देना वो वीडियो को, क्योंकि जो लाइक और व्यूज का रेशियो वो बहुत बड़ा है। आपको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, व्यूज जो है वो 700 प्लस है पर लाइक्स इतने ज्यादा नहीं है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आप वीडियो देखते हैं और कंटेंट पसंद आता है आपको, तो एक लाइक ही तो आपको देना है, ठीक है। अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है वीडियो तो आप डिसलाइक भी दे सकते हो, पर कुछ ना कुछ तो करके जरूर जाना। लाइक करो, डिसलाइक करो या फिर कमेंट करो, आपको कुछ वीडियो के बारे में बोलना है तो, पर कुछ ना कुछ जरूर करके जाना। वही सेम चीज ये वीडियो में भी करेंगे। आज के इस वीडियो में भी अगर आप ये वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करके जाना। अगर लाइक नहीं करना है, पसंद नहीं आ रहा है वीडियो, तो डिसलाइक भी कर दो। दोनों में से कुछ भी आप करोगे चल जाएगा। मेरे को इतना आइडिया आ जाएगा कि आप मेरे वीडियोज देख रहे हो तो कितने लोगों को मेरे वीडियोज पसंद आ रहे हैं या फिर ये चैनल का कंटेंट जो है पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है। इसके वजह से क्या होगा, मेरे को अपने में इंप्रूवमेंट करने के लिए हेल्प होगा, चैनल का कंटेंट इंप्रूवमेंट करने के लिए हेल्प हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम लोग डेस्कटॉप के ऊपर आ गए हैं और डेस्कटॉप के ऊपर मैंने एपिक गेम स्टोर जो है वो ओपन कर दिया। तो एपिक गेम स्टोर पे जब आप स्क्रॉल करोगे और फ्री गेम्स वाले सेक्शन में आओगे तो यहां पे आपको 3 गेम्स अभी फ्री में दिख रहा है, जो कि आपको 22 अप्रैल तक मिलने वाला है फ्री में। तो आज जिस डेट को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये डेट है 21 अप्रैल, तो मैं काफी लेट हो गया। तो जल्द से जल्द जैसे आप ये वीडियो देखोगे, मैं आज के आज ही डालने की ये कोशिश करूंगा, 6:30-7 बजे तक ये वीडियो आ जाएगा। लेट ज़्यादा हो गया तो 8:30 बजे तक तो ये वीडियो डेफिनेटली आ जाएगा। तो जैसे आप ये वीडियो देखोगे, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक सारे इंडिविजुअल गेम्स के दिए हुए, फटाफट से जाओ और क्लेम कर लेना। देखो मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास अभी गेमिंग लैपटॉप नहीं है, गेमिंग पीसी नहीं है, फिर भी ये गेम्स जो है वो फटाफट से जाके क्लेम कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में जब आप बाय करोगे तो आपको एडिशनल वापस खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जैसे आपने मान लो 1 लाख का खर्चा कर दिया, 80,000 का खर्चा कर दिया, 90,000 का खर्चा कर दिया, जितना भी आपने पीसी में खर्चा कर दिया गेमिंग पीसी में, उसके बाद में आपको गेम्स खेलने के लिए अलग से 1,000, 1,200, 1,300, कभी कभी 5,000, 4,000 के गेम्स भी आते हैं, तो वो अलग से आपको एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उससे अच्छा अभी से आप अकाउंट बना देना, ये सारे जो भी गेम्स मैं बता रहा हूँ वो उनके वेबसाइट के, जैसे एपिक गेम स्टोर, स्टीम हो गया, फिर इंडीगाला हो गया, GOG.com हो गया, PS का जो प्ले स्टेशन स्टोर है इंडिया का, उस पर सब जगह अकाउंट बना लेना और ये जो फ्री में गेम्स आ रहे हैं वो क्लेम करके रख देना। अभी फिलहाल के लिए मेरे पास भी कंसोल कोई भी नहीं है, फिर भी मैंने प्ले स्टेशन स्टोर का जो है वो अकाउंट बनाया है और जो भी फ्री गेम्स आ रहे हैं उनके प्ले एट होम इनिशिएटिव में वो सारे क्लेम्स कर रहा हूँ। तो जैसे आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था कि 9 गेम्स एडिशनल आपको प्ले स्टेशन स्टोर वाले जो है फ्री में दे रहे, तो वो भी अगर आपने क्लेम नहीं किया है तो शायद से अभी भी आपको वो क्लेम करने का मौका है। वो वीडियो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में भी लिंक दे दूंगा, जाके देखो और
फटाफट से अकाउंट बना के क्लेम कर लेना। तो इसके लिए भी वही बता देता हूँ, तो मैंने ऑलरेडी ये जो है फ्राइडे को आ गया था तभी इसको क्लेम कर दिया, तो आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट गेम जो है वो डिपोनिया करके है, डिपोनिया द कंप्लीट जर्नी। यह वैसे देखा जाए तो 1499 का आता है, यहाँ पे देखो मैं एरो करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये गेम्स इतने महंगे महंगे आते हैं, 2000-3000 के आते हैं, जो कि अभी आपको फ्री में मिल रहा है, फटाफट से जाओ क्लेम कर लेना। नेक्स्ट गेम जो है वो है, मैं फटाफट गेम्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, ज्यादा लंबा वीडियो करके बोर हो जाता है, इससे अच्छा आप फटाफट से गेम को क्लेम कर लेना, उसके बाद में गेम प्लेस यूट्यूब पे देख लेना या कोई भी वेबसाइट्स पे देख लेना, या यहीं पे भी आप यहाँ पे प्ले करके देख सकते हो गेम प्ले, और अगर आपको मन करता है तो आप डाउनलोड करके खेल सकते हैं। अभी तो सिर्फ आपको क्लेम करना है क्योंकि फ्री में मिलना है। नेक्स्ट गेम जो मैंने बताया, सेकंड गेम द पिलर्स ऑफ द अर्थ करके है, ये भी देखो ओन्ड करके आ रहा है, कुछ नहीं आपको सिर्फ क्लेम पे क्लिक करना है और आपके लाइब्रेरी में ये ऐड हो जाएगा। अभी फ्री में मिल रहा है, देखो 1499 का वैसे आता है और अभी आपको फ्री में मिल रहा है। थर्ड गेम जो है वो है द फर्स्ट ट्री करके है, तो इसको भी फटाफट से क्लेम कर लेना, ये थोड़ा सस्ता गेम है, 239 रुपीज का है पर फ्री में मिल रहा है, फटाफट से क्लेम कर लेना। एक ही दिन है आपके पास, अभी देखो 22nd को ये जो है गेम, इसका वैलिडिटी यहाँ पे एरो करके मैं आपको दिखा रहा हूँ उतना ही है। तो ये हो गया फर्स्ट सेगमेंट, मतलब एपिक गेम स्टोर के बारे में मेरे को बताना था, तो फर्स्ट सेगमेंट में एपिक गेम स्टोर के सारे फ्री गेम्स जो है वो मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट वीक जो गेम आ रहे हैं वो ये दो गेम आ रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक मतलब अभी आने वाले फ्राइडे को ये गेम्स जो है वो आपको फ्री में मिलना चालू हो जाएगा, मतलब थर्सडे को 8:30-9 बजे के आसपास जो है गेम्स ये मिलना चालू हो जाते हैं। तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अभी बात करते हैं फ्री गेम्स जो इंडिगाला वेबसाइट पे है वो आने वाले हैं, तो ये भी मैंने ऑलरेडी क्लेम कर दिया है। अगर आप इंडिगाला वेबसाइट पे जाओगे और फ्रीबीज सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको सारे फ्री गेम्स जो है वो आपको क्लेम करने के लिए मिल जाएंगे। तो प्रीवियसली मैंने बहुत सारे गेम्स इसके ऊपर भी वीडियो बनाए हुए हैं जो फ्री में आपको मिल रहे थे, वो क्लेम किए हुए हैं। तो अभी जो नए गेम्स और आए हैं ये फ्रीबीज में, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो गेम इसके अंदर आया है वो एज ऑफ स्टील रिचार्ज करके, तो नीचे आपको जाना होता है और नीचे जाने के बाद ये जो डाउनलोड का सिंबल दिख रहा है यहाँ पे आपको ऐड टू कार्ट आ जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है और आपके लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा। तो ये हो गया फोर्थ गेम। फिफ्थ गेम की बात करेंगे तो वर्ल्ड्स डॉन करके गेम है, इसको भी नीचे आपको स्क्रोल करके जाना है और क्लेम करना है। यहाँ पे आपको अगर गेम प्ले देखना है तो मीडिया सेक्शन में आपको गेम प्ले मिल जाएगा, वहाँ पे आप गेम प्ले देख सकते हो। नेक्स्ट गेम की बात करेंगे जो कि है सिक्स्थ गेम। सिक्स्थ गेम जो है वो है ट्रेंडेड इन द टाइम, प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ होगा तो सॉरी। तो ये भी गेम आप नीचे जाके फटाफट से क्लेम कर लेना, यहाँ पे डाउनलोड का सिंबल दिखा रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको फ्राइडे को ही क्लेम कर दिया था। नेक्स्ट गेम है रेनिस्टोन कीपर, तो ये भी आप क्लेम कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सातवां गेम। आठवां गेम जो है वो है ब्लड हार्वेस्ट, ब्लड हार्वेस्ट थ्री करके है, इसको भी आप क्लेम कर सकते हो नीचे जाने के बाद में। देखो इंडिगाला पे अगर आपको गेम्स क्लेम करना है तो पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, साइन अप करने के बाद में साइन इन करो, साइन इन करने के बाद में नीचे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंडिविजुअल गेम्स के लिंक्स दिए हुए हैं, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली यहां पे ये पेज पे आ सकते हो और नीचे स्क्रॉल करने के बाद में यहां पे जो डाउनलोड सिंबल दिख रहा है वहां पे आपको क्लिक करना है। ये मेरे को डाउनलोड सिंबल दिख रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको लाइब्रेरी में ऐड किया हुआ है। आपको यहां पे ऐड टू कार्ट वगैरह जैसे दिखाई देगा तो उसके ऊपर जस्ट आपको क्लिक करना है। ये हो गया इंडिगाला के बारे में। तो मतलब पहले मैंने आपको तीन गेम्स एपिक गेम स्टोर के बताए, उसके बाद में आपको मैंने इंडिगाला के फ्री गेम्स जो है वो बताए। इंडिगाला पे आपको 5 गेम्स फ्री बताए, मतलब 5+3 8 गेम्स हो गए। अभी सबसे इंटरेस्टिंग गेम, मतलब AAA टाइटल आप बोल सकते हैं, जो कि आपको PlayStation 4 या PlayStation 5 आपके पास है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं, पर मेरे पास भी कंसोल नहीं है जैसे आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बताया। आप अभी से अकाउंट बना के रख देना PlayStation का, तो मैंने भी बनाया हुआ है तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो PlayStation स्टोर का अकाउंट, मतलब डिस्प्ले पे आप जो देख रहे हो वो सही देख रहे हो, ये आपको फ्री में मिल रहा है। वैसे ये गेम अगर देखा जाए तो बहुत महंगा आता है, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे 1000+ का प्राइस रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 40% डिस्काउंट है, मतलब कुछ सेल चल रहा है एपिक गेम स्टोर पे, इसकी वजह इसका प्राइस 670 दिख रहा है, नहीं तो इसका प्राइस जो है 117 दिख रहा है आपको कंप्लीट एडिशन का। तो इतना महंगा गेम जो है वो अभी आपको PlayStation स्टोर पे जो है वो फ्री में मिल रहा है, तो इसको भी आपको क्लेम करने के लिए पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद में आपको यहाँ पे ऐड टू लाइब्रेरी का ऑप्शन आएगा, जैसे मेरे को अभी आ रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मेरा फेस अगर बीच में आ रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे फ्री दिखाई दे रहा है और ऐड टू लाइब्रेरी आ रहा है, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है,
एक बार लॉग इन होने के बाद में ये देखो हो गया एड टू लाइब्रेरी। इसके बाद में अगर आपके पास कंसोल है PS4 या PS5 तो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो इसको ऐसे रख देना, आपके लाइब्रेरी में ये एडिट रहेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ मेरी लाइब्रेरी भी, ये देखो ये है मेरी लाइब्रेरी और यहाँ पे देखो कंप्लीट एडिशन जो है वो मेरे पास आ गया है, मेरे इसमें लाइब्रेरी में एडिट हो गया है। तो जब भी मैं कंसोल फ्यूचर में लूंगा डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो तभी मैं इसको आराम से डाउनलोड करके खेल पाऊंगा, तो मेरा काम ये हो गया। तो आप भी ऐसे कर सकते। अभी बात करते हैं थोड़ा बहुत गेमिंग न्यूज के बारे में। तो एक गेमिंग न्यूज काफी इंटरेस्टिंग मेरे पास आई है। आपको अगर पता है तो मैंने बीच में एपेक्स लेजेंड जो है वो खेला था और ऐसी खबरें भी आ रही थी कि वैलोरेंट, एपेक्स लेजेंड वगैरह ऐसे बड़े बड़े जो गेम्स है वो मोबाइल्स पे आने वाले। तो एपेक्स लेजेंड ने रिसेंटली जो है वो टीज कर दिया है, और टीज क्या बोल सकते हैं, उन लोग ने प्री रजिस्ट्रेशन जो है वो मोबाइल के लिए चालू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एपेक्स लेजेंड मोबाइल, तो ये जो है वो प्री रजिस्टर के लिए अभी अवेलेबल है। यहाँ पे आप प्री रजिस्टर पे क्लिक कर लेना और रजिस्टर कर लेना। तो जब आप प्री रजिस्टर करोगे तो सबसे पहले जब भी ये लॉन्च करेंगे तो आपको ये खेलने को मिलने वाला है। तो अगर आप पीसी गेम एपेक्स लेजेंड अभी तक नहीं पता है तो आप देख लेना, गेम प्लेस देख लेना। मैंने भी एक दो वीडियो शायद इसके ऊपर बनाए थे, मतलब लाइव स्ट्रीम किया था इसके ऊपर, तो आप डेफिनेटली वो चेकआउट कर सकते हो। तो ये जो गेम है काफी अच्छा है, पबजी जैसा ही थोड़ा है, पर इसके अंदर जो एजेंट्स होते हैं उनके अलग अलग एबिलिटीज होते हैं जैसे वैलोरेंट में होता है वैसे। तो ये गेम अभी मोबाइल पे मिलना चालू होने वाला है। तो अभी गूगल प्ले स्टोर के लिए तो प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो गया, अगर iOS के लिए भी आता है तो उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में बाद में डाल दूंगा। अभी फिलहाल के लिए प्ले स्टेशन स्टोर मतलब एंड्रॉइड यूजर के लिए अवेलेबल है प्री रजिस्ट्रेशन के लिए, तो नीचे लिंक दिया हुआ है, चेक कर लेना आपके स्मार्टफोन पे ये कॉम्पेटेबल है कि नहीं, क्योंकि मेरे दो स्मार्टफोन जो भी है उसके अंदर एक में एंड्रॉइड 9 वर्जन है और एक में एंड्रॉइड 10 वर्जन है, और दोनों में ये दिखा रहा है कि योर डिवाइस डजंट सपोर्ट। तो देख लेना आपके डिवाइस पे ये सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसी किसी पे कर रहा है किसी किसी पे नहीं कर रहा है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपका मोबाइल इसको सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मेरे पास OnePlus है, OnePlus 7 है, OnePlus 7T है, OnePlus 8 है, या कोई भी फोन है उसका नाम लिख देना और लिख देना यस दिस इज कॉम्पेटेबल। और अगर मोबाइल पे कॉम्पेटेबल नहीं तो वो भी आप लिख सकते हो कि मेरे पास सो एंड सो मोबाइल है और इट इज नॉट कॉम्पेटेबल। अभी तो प्री रजिस्ट्रेशन है इसकी वजह से कॉम्पेटेबल नहीं हो सकता है, बाद में थोड़े टाइम के बाद में जैसे ये और भी डेवलपर्स इसके ऊपर काम करेंगे तब दूसरे वर्जन पे भी अवेलेबल होना चालू हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए जो है वो शायद एंड्रॉइड 11 और उसके ऊपर जो भी वर्जन है उसके ऊपर अवेलेबल है ये, तो मतलब प्री रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जैसे ये बेटा स्टेज में ये लोग लॉन्च करेंगे या फिर प्रॉपर लॉन्च करेंगे, अभी इसके बारे में कुछ डिटेल्स पता नहीं, तभी शायद सबको मिल जाएगा। पर जाना जरूर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक करना आपका मोबाइल में ये कॉम्पेटेबल है कि नहीं, अगर है तो रजिस्टर कर लेना। जैसे आपने फौजी के लिए प्री रजिस्ट्रेशन किया था वैसे इसके लिए आपको करना है, और जब गेम आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर डाउनलोड करके खेल के जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको ये गेम। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था गाइस, आपको आज का वीडियो जो है वो कैसा लगा जरूर बताना। नेक्स्ट वीक मतलब अभी आने वाले फ्राइडे में और नए फ्री गेम्स के ऊपर वीडियो जरूर लेके आऊंगा। स्टे ट्यून टू द चैनल, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे गेमिंग रिलेटेड कंटेंट ये चैनल पे आते रहते हैं। ऑल्सो लाइव स्ट्रीम्स वगैरह भी आते हैं, मोन्टाजेस आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं। गाइस शॉर्ट्स का मैंने देखा है आप उस पर इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं दिखाते हो जितना फ्री गेम्स के ऊपर दिखाते हो, मतलब फ्री गेम्स पे मेरे 600 प्लस व्यूज जो है वो चले जाते हैं, पर शॉर्ट्स पे स्टार्टिंग में जब मैं शॉर्ट्स डालता था तभी वो वीडियोस पे आप सपोर्ट दिखाते थे, पर अभी आप सपोर्ट नहीं दिखाते, तो जरूर वो शॉर्ट्स वीडियोस भी देखना, क्योंकि ये चैनल पे जो है वो मैं सारे गेमिंग रिलेटेड कंटेंट लेके आऊंगा। फ्री गेम्स हो गया, शॉर्ट्स हो गया, मोन्टाजेस हो गया, हाइलाइट्स हो गए या लाइव स्ट्रीम्स हो गए, इसके बारे में ये जो चैनल पे वो कंटेंट आने वाला है। तो अगर आप गेमिंग कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो तो सारे वीडियोस को सपोर्ट करना, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको ये जो वीडियोस है वो शेयर करते रहना अगर आपको पसंद आ रहा है तो। अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या चीज नहीं पसंद है ताकि मैं उसके ऊपर और भी इंप्रूवमेंट करता रहूं, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट करता रहूं। आपका सपोर्ट लगेगा, ये वन वे कम्युनिकेशन, उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, लाइक डिसलाइक से मेरे को बताना पड़ेगा कि ये चैनल पे कंटेंट जो मैं डाल रहा हूं वो आपको पसंद है नहीं पसंद है, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, क्योंकि ये आप ही का चैनल है गाइस। अगर आप नहीं बताओगे तो वो कंटेंट वैसे ही डालते रहूंगा, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा और आपको नई नई चीजें जो है वो देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ मेरे प्रोस्पेक्टिव से मैं जो है वो देखूंगा और उसके हिसाब से कंटेंट जो है वो चेंज करते जाऊंगा। पर अगर आप सपोर्ट करोगे, आप कमेंट करोगे तो आपके हिसाब से जो है कंटेंट आते रहेगा। तो होप करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो, पसंद आया तो अपने सारे फ्रेंड्स गेमर फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना, उनको शेयर करोगे
तो वो भी आपके साथ खेल पाएंगे फ्री में गेम डाउनलोड करके। ऑल्सो मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स नीचे मेंशन है, हो सकता है कभी कभी नोटिफिकेशन जो है वो यूट्यूब से नहीं जाता है, मान लो आपने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन भी दबाया हुआ है, ऑल नोटिफिकेशन ऑन किया हुआ है, पर कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे सोशल मीडिया हैंडल्स, ऑल्सो मेरा मेन चैनल जो है इंस्पायरिंग प्रशांत टेक वाला चैनल, उसके ऊपर जो है वो कम्युनिटी पोस्ट में मैं डालते रहता हूँ। तो ये सारे जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, मेन चैनल, सब जगह फॉलो करके रख देना, नोटिफिकेशन में ऑल ऑन करके रख देना, ताकि अगर कोई प्लेटफॉर्म का नोटिफिकेशन नहीं आता है, जैसे अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिला बाय चांस, तो आप दूसरे जो मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फटाफट से आके आप ये वीडियो देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको अगले और एक्साइटिंग वीडियोज़ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।